हेलो एवरीवन, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम कुछ शेयर करना चाहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ। हम साथ मिलकर पढ़ेंगे, आप लोग अच्छे से जानेंगे आज का टॉपिक क्या है। पिछले ही लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था ऑथर्स के बारे में, टॉप 50 ऑथर्स। तो आज उसका पार्ट टू लेके आए हैं कि नेक्स्ट टॉप 50 ऑथर्स आपके लिए लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी बुक्स के बारे में। चलिए देखते हैं आज का हमारा वीडियो। स्टार्टिंग में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। सबसे पहले जो हमारे ऑथर हैं आज के, वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनकी काफ़ी बुक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं इससे पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पे भी हमारा पेज है वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आप उसे लाइक कर सकते हैं। मेरा खुद का पेज है मैथ्स विद मयंक, उसे आप लाइक कर सकते हैं। लिंक नीचे दी गई है वीडियो के। चले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैंने बोला था। तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अगर बात करूँ तो भारत के महानतम इंसानों में से एक रहे हैं वो। तो हमारी जो पहली बुक है वो है चित्रांगदा, जो कि है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। दूसरी है गीतांजलि, ये भी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। विसर्जन, फिर अगर मैं बोलूँ विसर्जन के बाद की बुक गार्डनर, फिर अगर मैं बोलूं हंगरी स्टोन्स, और फिर बोलूं गोरा, ये सारी की सारी बुक्स जो हैं आपकी किनकी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं। फिर अगर हम आगे पढ़ें एक लास्ट बुक उनकी चांडालिका, तो ये जो बुक है ये भी किसके द्वारा लिखी गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए के द्वारा। अगर अगली बुक हम देखें तो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी, जो बहुत बड़े लेखक रहे हैं, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी हिस्ट्री है इनकी भी, बहुत महानतम इंसान रहे हैं। इनकी भारत भारती जो बुक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सी? भारत भारती। अगर मैं आगे देखूं तो डेथ ऑफ अ सिटी, ये बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये है अमृता प्रीतम जी की। फिर अगली बुक देखूँ मैं कागज़ ते कैनवास, कागज़ ते कैनवास, ये किसकी है? अमृता प्रीतम जी की। और इसके बाद भी एक और बुक है 49 डेज, जो 49 डेज होता है उसको लिखा हुआ है यहाँ पर 49 डेज, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, 49 वाला है ये, अमृता प्रीतम जी ने ही इस बुक को लिखा हुआ है। अगर मैं अगली बुक देखूँ तो इंदिरा गांधी रिटर्न, जो कि है खुशवंत सिंह की, दिल्ली खुशवंत सिंह की ही है। द कंपनी ऑफ वुमन, द कंपनी ऑफ वुमेन भी खुशवंत सिंह की है। अगर अगला देखा जाए तो सखा राम बाइंडर, विजय तेंदुलकर, सखा राम बाइंडर, तो ये किसकी है? ये है विजय तेंदुलकर की। इंडियन फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, यह है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। आप लोग याद रखिएगा, इंडियन फिलॉसफी को काफी बार पूछा जा चुका है। इसके बाद एक और है इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया बहुत बड़ी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिखी गई थी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा। अगर अगली बुक की बात करूं मैं, खमाइनी, ये है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई। अगर अगली बुक देखी जाए आंसू, उसके बाद लहर, ये तीनों की तीनों जो मैंने बुक पढ़ी है कंटिन्यू, ये तीनों की तीनों लिखी हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। अगली बुक दोस्तों मैं पढ़ूं आपके लिए तो ये है लाइफ डिवाइन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? अरविंद घोष जी के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद घोष जी के द्वारा। एशेज ऑन गीता, एशेज ऑन गीता, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष जी के द्वारा। अगर मैं आपको बोलूं अनामिका परिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं, अगर आप हर एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ी है तो इन महान पुरुषों का जीवन परिचय भी पढ़ा होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका नाम बहुत सुना होगा, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दो, अनामिका और परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगली मैं अगर देखूँ तो यामा, जो कि है महादेवी वर्मा की, इनका भी आपने जीवन परिचय पढ़ा ही होगा अपने स्कूल टाइम में। अगला देखें हम A Voice of Freedom, ये है नयनतारा सहगल द्वारा। किसके द्वारा? नयनतारा सहगल। अगली बुक देखें हम तो एरिया ऑफ डार्कनेस, दोस्तों क्या है एरिया ऑफ डार्कनेस? ये है V.S. Naipaul द्वारा। मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी बुक्स का एक कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ, जो कि ज्यादातर जितनी भी हम बुक पढ़ रहे हैं सबकी सब इंडियन ऑथर्स की है। अगर अगली बुक मैं पढ़ूँ तो अग्निवीणा, ये है काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा। अगली देखूँ तो डिवाइन लाइफ, शिवानंद जी ने लिखी थी। उसके बाद हम आते हैं हमारे यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर कई नाट्य बन चुके हैं, गोदान,
गबन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेख रहे हैं इनके इनके लेखक कौन है प्रेमचंद्र जी. कर्म भूमि रंग भूमि ये चारों की चारों जो आपने पढ़ा है ये चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट लेख है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है. तो आपको ये याद रखिएगा इनके लेखक कौन है श्री प्रेमचंद जी. अगला अगर मैं पढ़ूं द अनटोल्ड स्टोरी ये किसके द्वारा लिखी गई है तो बी एम कॉल के द्वारा दोस्तों. किसके द्वारा बी एम कॉल के द्वारा. अब कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों तो ये लिखी गई है बी एम कॉल द्वारा ही. इससे पहले वाली भी बी एम कॉल की थी ये भी है. अगली अगर मैं पढ़ूं कितनी नावों में कितनी बार कितनी नावों में कितनी बार ये किसके द्वारा लिखी गई है अज्ञेय अज्ञेय. अगली मैं अगर बुक पढ़ने जाऊं तो बहुत महान नाम है ये सरोजिनी नायडू. इनने जो दो बुक्स लिखी हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है. सरोजिनी नायडू की जो बहुत ही फेमस बुक्स हैं गोल्डन थ्रेशहोल्ड तो ये जो बुक है ये लिखी गई है सरोजिनी नायडू द्वारा. उसके बाद अगर हम देखें ब्रोकन विंग्स अगर मैं बोलूं तो ये भी लिखी गई है सरोजिनी नायडू द्वारा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. उसके बाद देखा जाए यशपाल जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई तो दादा कामरेड. अगली बुक अगर मैं देखूं फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लेखक आ गए हैं इनका भी हमने जीवन परिचय बहुत बार पढ़ा हुआ है सुमित्रा नंदन पंत. इनके द्वारा लिखा गया पल्लव चिदंबरा बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखिएगा. अगली बुक्स अगर मैं दोस्तों आपके सामने लाऊं तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी भी है जो वो किसकी बुक है रामधारी सिंह दिनकर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये. द डार्क रूम आर के नारायण जी के द्वारा है. मालगुड़ी डेज भी जो अगली बुक में पढ़ रहा हूँ मालगुड़ी डेज बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार पूछा गया है मालगुड़ी डेज किसने लिखी है तो ये लिखी है आर के नारायण द्वारा. गाइड बुक के लेखक कौन है तो ये भी कौन है आर के नारायण जी. उसके बाद अगर मैं देखूँ माई डेज ये भी आर के नारायण जी द्वारा लिखी गई है. मोरारजी देसाई के द्वारा लिखी गई नेचर क्योर भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में. अगला अगर मैं पढ़ूं चंद्रकांता जो बुक है ये भी देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखी गई है. बहुत इंपॉर्टेंट बुक है चंद्रकांता. इसके ऊपर नाट्य भी बन चुके हैं कई बुक्स हैं जैसे मैंने प्रेमचंद जी की भी बुक्स बताई थी उस पर भी कई नाट्य बन चुके हैं. अब अगर देखा जाए देवदास इस पर तो आपने देखा होगा कि मूवी भी बनी थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. अगर अगली बुक में पढ़ने जाऊं तो चरित्रहीन ये भी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की. दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही. अगले लेक्चर में मैं फिर से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा हमारे अगले टॉप 50 ऑथर्स और उनकी बुक्स. मैं आपके लिए ऐसे कॉम्बिनेशंस लेके आ रहा हूं दोस्तों जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाएंगे. कहां रेयर कॉम्बिनेशन जो होते हैं हर एग्जाम में चाहे पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे कोई भी एग्जाम हो सब में पूछे जाते हैं. तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी एक ही जगह पर हमें इतने कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं. अब दोस्तों मैं कुछ टाइम बाद आपके लिए ट्रिक्स के साथ भी बहुत सारी कुछ और चीजें लेके आऊंगा कुछ और वीडियोस लेके आऊंगा. तब तक के लिए शुक्रिया. जैसे कि मैंने आपको बोला था जिनने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.